नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भागलपुर का मशहूर जरदालू आम आज पहुंचेगा दिल्ली। बीएड कॉलेजों में खत्म हुई बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तारीख। अमीनों की ट्रेनिंग के बाद ली गई परीक्षा में 10% से कम अंक आने पर जाएगी नौकरी। आरजेडी ने लॉकडाउन खत्म होते ही लालू यादव के बिहार लौटने का किया दावा। 2 महीने बाद देश भर में सबसे कम आए कोरोना के मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीएड कॉलेजों में खत्म हुई बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तारीख। बिहार के सभी बीएड कॉलेज में नामांकन लेने के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ 8 जून तक छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद जल्द ही 33,000 सीट के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके बाद ही विभिन्न कॉलेज में नामांकन दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता का कहना है कि 11 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव है। इसके लिए 1 जुलाई से एडमिट कार्ड मिलेगा। राज्य के 11 शहरों में बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। वहीं 8 जून के बाद सेंटरों का चयन किया जाना है। बताते चले कि बीएड की प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को कॉलेज मिलेंगे, जिसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग व नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उमस भरी गर्मी से परेशान लोग मॉनसून का कर रहे इंतजार। बिहार में तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सबसे ज्यादा परेशानी रोज बाहर काम पर जाने वाले लोगों को हो रही है। वहीं 2 बजे तक दुकानों को खोलने का समय रहने के कारण लोगों को मजबूरन भी चिलचिलाती धूप में ही अपने जरूरी काम निपटाने पड़ते हैं। ऐसे में अब मानसून का इंतजार भी बेसब्री से हो रहा है। इस बार केरल में 3 दिन देरी से मानसून पहुंचा है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि बिहार में भी मानसून 15 जून तक पहुंचेगा, जिसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र में भी मानसून की हवाओं का असर दिख रहा है, जिसके बाद अब जल्द ही मानसूनी हवाओं के बिहार पहुंचने का इंतजार है। ये पूर्णिया जिले से होकर पूरे बिहार में फैलेंगी। फिलहाल राज्य में तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। अधिकतम तापमान औरंगाबाद में 39.6 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। भागलपुर का मशहूर जरदालू आम आज पहुंचेगा दिल्ली। भागलपुर का मशहूर जरदालू आम को आज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए उपहार के तौर पर भेजा गया है। आज सुबह ही विक्रमशिला एक्सप्रेस से आम के 2000 पैकेट को पार्सल के जरिए दिल्ली के बिहार भवन के लिए भेजा गया है। इसमें प्रत्येक पैकेट में 20 आम है। बताते चले कि जरदालू आम को साल 2018 में GI टैग मिला था। इसके स्वाद और सुगंध लाजवाब होते हैं। साल 2007 से ही हर साल बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौगात के रूप में भेजने की परंपरा रही है। अब आम के पार्सल के दिल्ली पहुंचते ही बिहार भवन के अधिकारी उसे रिसीव करेंगे, जिसके बाद ये स्वादिष्ट बिहारी आम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सभी सांसदों और अन्य अधिकारियों तक पहुँचाए जाएंगे। सूबे में ANM की फर्जी भर्ती करने के आदेश जारी होने का मामला आया सामने। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली लगातार की जा रही है। ऐसे में फर्जीवाड़ी करने वालों ने भी इस बीच अपनी चालाकियों से लोगों से ठगी करने का नया आइडिया खोज निकाला है। इस बार फिर जालसाजों ने सभी जिलों में 79 ANM की नियुक्ति का फर्जी आदेश स्वास्थ्य निदेशालय के नाम से जारी कर दिया है। यही नहीं, नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों के नाम से सहित जिलों का आवंटन भी कर डाला है। इस फर्जी आदेश में लिखा था कि स्वास्थ्य निदेशालय के ज्ञापांक संख्या 589/6/27/6/2021 के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ANM नर्सिंग के 89 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद इस फर्जीवाड़े की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को होते ही सभी सिविल सर्जन को जानकारी दी गई। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों द्वारा 89 ANM की नियुक्ति के लिए जारी आदेश पूरी तरह फर्जी है। ऐसा कोई भी आदेश विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। वैक्सीन को लेकर अंधविश्वास को दूर करने के लिए सासाराम में अपनाया गया नया तरीका। बिहार सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने और वैक्सीन को आसान तरीके से देने के लिए हर तरह से तैयारी कर रही है। इसके लिए गांव के क्षेत्र में 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को भी चलाया जा रहा है, जो कि लोगों को घर तक पहुंचकर वैक्सीन देती है। वहीं आज भी कई लोगों में वैक्सीन को लेकर कई तरह के अंधविश्वास कायम है, जिस कारण वे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। ऐसे में सासाराम जिला प्रशासन ने एक अनोखे प्लान के जरिए लोगों को वैक्सीन लगवा रही है। इसके तहत ग्रामीणों को टीका लगाने को लेकर अंधविश्वास को दूर करने का जिम्मा अब धर्म गुरुओं को दिया गया है। ACMO डॉक्टर KN तिवारी की माने तो ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए धर्म गुरुओं का भी सहारा लिया जा रहा है, जो कि लोगों को टीका लगाने के लिए लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक इसका सकारात्मक प्रभाव भी वैक्सीनेशन पर पड़ा है। बता दें कि DM धर्मेंद्र कुमार ने 25 मई को हरी झंडी दिखाकर जिले में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत कराई थी। वहीं जिले में हर दिन 5200 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना हाईकोर्ट में 118 एडवोकेट ने सीनियर अधिवक्ता नामित करने के लिए दी अर्जी। पटना हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में सूचित किए जाने को लेकर
118 अधिवक्ताओं ने अर्जी दाखिल किया है। इसके लिए एक कमेटी हाईकोर्ट की तरफ से बनाई गई है, जो इंटरेक्शन कार्यक्रम के जरिए अधिवक्ताओं को अपने हिसाब से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करेगी। इसके लिए 23 जून से 12 जुलाई तक इंटरेक्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रतिदिन 10 के ग्रुप में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह इंटरेक्शन कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसमें अधिवक्ताओं से उनका ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप उपलब्ध कराने को कहा गया है, साथ ही अपना नाम, पता और एनरोलमेंट नंबर भी देने को कहा गया है। हालांकि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए दिए गए आवेदनों में उम्र चर्चा का विषय बन गया है। कुछ अधिवक्ताओं की उम्र 80 वर्ष है तो कुछ अधिवक्ताओं की उम्र 45 से भी कम है। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की 75वीं जयंती पर आरजेडी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की आज 75वीं जयंती है। रघुवंश प्रसाद सिंह के सरल व्यवहार की वजह से लोग उन्हें प्यार से ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से रघुवंश बाबू को नमन किया। वहीं हसनपुर विधायक व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें समाजवाद के बरगद रूपी स्तंभ और मनरेगा मैन कहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट के माध्यम से रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी। वहीं आरजेडी पर हमला भी बोला। मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ समाजवादी नेता और मनरेगा मैन से पहचाने जाने वाले रघुवंश बाबू जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन है, लेकिन उनकी जयंती पर आज गलियारी आंसू बहाने वाले एक लोटा पानी की कीमत आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। मधुबनी के यश झा को मिला न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन से बातचीत का मौका। दूसरे की मदद करना हमेशा बदले में अच्छा परिणाम देता है, ऐसा ही वाकया मधुबनी के छात्र यश झा के साथ हुआ है। यश झा इंस्टाग्राम पर अननोन पोइट के नाम से पेज चलाते हैं, जिसके जरिए एक हैशटैग के माध्यम से पटना की एक बूढ़ी औरत तक उन्होंने मदद पहुंचाई थी। इस दौरान उन्होंने हैशटैग अभियान चलाकर सभी से इनकी मदद करने की अपील की थी, जिसके बाद उनके पोस्ट से सिर्फ 40 मिनट में सभी तरह की प्रशासनिक मदद उस बूढ़ी औरत को मिल गई। वहीं अब यश झा को न्यूजीलैंड के सरकारी कार्यक्रम पॉजिटिव मीडिया में शामिल किया गया है, जिसमें वे न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह पूरा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड के राजदूत डेविड पिने ने यश झा के साथ जूम ऐप के माध्यम से बातचीत की थी, जिसके बाद भारत की तरफ से 10वीं के छात्र यश झा को चुना गया। यह कार्यक्रम 8 जून को होना है। भागलपुर डीटीओ ऑफिस के 7 कर्मचारियों को नशे की हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी लागू है, मगर सरकारी परिवहन कार्यालय में ही शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर के जिला परिवहन कार्यालय के 7 कर्मचारी को पुलिस ने कार्यालय में ही शराब पार्टी करते हुए धर दबोचा, जिसके बाद अल्कोहल जाँच में 7 गिरफ्तार कर्मियों की शराब पीने की पुष्टि होने पर इन्हें पुलिस ले गई। ये सभी कर्मी संविदा पर कार्यरत है। गिरफ्तार संविदा कर्मियों में 4 कर्मी कटिहार जिले के रहने वाले हैं, जबकि बाकी 3 अन्य खगड़िया, गोड्डा, सुपौल के हैं। जानकारी के मुताबिक एसएसपी को जिला परिवहन कार्यालय में शराब पार्टी चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसएसपी ने एएसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर छापेमारी का निर्देश दिया। इस छापेमारी में डीटीओ कार्यालय से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। अमीनों की ट्रेनिंग के बाद ली गई परीक्षा में 10% से कम अंक आने पर जाएगी नौकरी। बिहार में नियोजित अमीन और प्रखंडों में बनने वाले आधुनिक अभिलेखागारों को लेकर सरकार सख्त हुई है। इसके तहत इनकी ट्रेनिंग के बाद ली गई परीक्षा में किसी अमीन को 10% से कम नंबर आएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही जिन जिलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने में देरी होगी, वहां के अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र यानी कि डीओ लेटर दिया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश भी दे दिया है। विभाग के निदेशक के मुताबिक 40% से कम अंक लाने वाले अमीनों की संख्या 75 है, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं 10% से कम अंक लाने वालों को नोटिस देकर पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उनकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही 10 से 40 के बीच अंक लाने वाले अमीनों को बेहतर करने के लिए एक बार और मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वे निदेशालय ने 487 नए अमीनों को मार्च अप्रैल में ट्रेनिंग दिया था। प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा ली गई थी। इसके बाद अप्रैल में उनको अंचलों में पदस्थापित भी कर दिया गया था। कोरोना के इलाज में डॉक्टरों की मदद के लिए तैयार किया जा रहा है रोबोट। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि कोरोना संक्रमण को रोकने और इलाज में डॉक्टरों की मदद में काम आएगा। यह रोबोट मरीजों के पास जाकर उनका ऑक्सीजन स्तर, तापमान, ब्लड प्रेशर आदि की जानकारी डॉक्टर को तत्काल उपलब्ध करा देगा। इसके बाद डॉक्टरों की लिखी दवाएं भी तत्काल मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा रोबोट मरीजों के 24 घंटे की स्टेटस रिपोर्ट भी डॉक्टर को ऑनलाइन भेजता रहेगा। इसे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एमटेक इन
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे आकाश सागर नाम के एक छात्र तैयार कर रहे हैं। छात्र ने कहा कि 6 महीने के प्रयास के बाद उन्हें यह सफलता मिली है, जिसमें जितने भी उपकरण हैं उन्होंने खुद तैयार किया है और इस काम में उनकी बहन इंजीनियर स्नेहलता ने काफ़ी मदद की है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता ने कहा कि कॉलेज के छात्र बेहतर काम कर रहे हैं। कोरोना सहित किसी भी वायरल डिजीज में इस तरह का रोबोट डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने में मदद करेगा। आकाश सागर ने जो रोबोट तैयार किया है उसका इस्तेमाल अस्पताल से लेकर गांव देहात में जाकर भी लोग कर सकते हैं। जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि रोबोट में सोलर एनर्जी प्लेट लगाया गया है जो कि आसानी से चार्ज हो। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने 2 कंपनियों के द्वारा गड़बड़ी करने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। इसके तहत अग्रणी होम्स और DDL इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की कई शिकायतों के मिलने के बाद इस मामले में अब नियमित रूप से सुनवाई की जानी है। इसके तहत अग्रणी होम्स से जुड़ी शिकायतों को लेकर 15 जून से रेरा की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक अग्रणी होम्स ने साल 2018-19 और 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट रेरा को नहीं सौंपी थी। इसके लिए रेरा ने 1 सप्ताह के अंदर कंपनी की रिपोर्ट देने और पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने को कहा है। दूसरी तरफ DDL इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की 2 परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन में भी गलतियां मिलने पर 15 अगस्त तक इसे ठीक करने को कहा गया है। साथ ही परियोजना से संबंधित सड़क नाला आदि का ब्यौरा भी 1 सप्ताह में मांगा गया है। वहीं इस परियोजना के अंतर्गत जिन लोगों को जमीन बेची गई है उन्हें 30 जून तक दाखिल काबिज कराने का निर्देश दिया गया है। RJD ने लॉकडाउन खत्म होते ही लालू यादव के बिहार लौटने का किया दावा। लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत मिलने व अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से ही वे ट्विटर पर बिहार की राजनीति में सक्रियता दिखाने लगे। वहीं अब उनकी पार्टी RJD ने लालू यादव को लेकर बड़ा दावा किया है। लालू के करीबी माने जाने वाले मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही RJD सुप्रीमो दिल्ली से बिहार आएंगे और उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह सियासी खेला होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा, जो नहीं समझ पाए हैं वे अनारी हैं। हालांकि बिहार NDA के नेताओं ने राजद के दावे को एक खुशफहमी बताते हुए तंज कसा है। WTC फाइनल में कोहली के पास है इतिहास रचने का मौका। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली के पास फाइनल मुकाबला जीतकर एक इतिहास रचने का मौका है, ऐसा टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना है। दरअसल टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में अब तक एक भी ICC टूर्नामेंट अपने नाम नहीं कर पाई है। पार्थिव पटेल ने कहा है कि विराट कोहली ने बतौर कप्तान अब तक कोई भी ICC टूर्नामेंट खिताब नहीं जीता है। अब उनके पास विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को जीतकर इस खिताबी सूखे को खत्म करने का मौका है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के पास अब मौका है कि वह बतौर कप्तान अपना पहला ICC खिताब जीते। उन्होंने कई ICC टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया है, लेकिन यह सबसे बड़ा अवसर है। अगर भारत उनकी कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है तो यह कोहली के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 2 महीने बाद देश भर में सबसे कम आए कोरोना के मामले। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब थम रही है और 2 महीने के बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,14,460 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,677 मरीजों की जाँच चली गई है। इस दौरान 1,89,232 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 14,77,799 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 1,007 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं इस दौरान 1,667 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,627 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 97.90% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार राज्य में कोरोना मामलों के घटने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।